मतलब आए दिन आर्थिक धोखाधड़ी और कुछ रुपयों के लिए हत्या की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे वक्त में गुजरात के एक बिजनेसमैन ने 200 करोड़ रुपए की संपत्ति को दान करके सांसारिक मोहों से संन्यास लेने का फैसला लिया है। मोह माया से ऊपर उठ गया है ये दंपति। दंपति ने ये फैसला खुद के बेटे और बेटी के दीक्षा लेने के बाद दरअसल लिया। ये हैरान कर देने वाला मामला गुजरात के साबरकांठा के पास पड़ने वाले हिम्मतनगर कस्बे से सामने आया। बिजनेसमैन भावेश भाई भंडारी ने सांसारिक मोह त्यागने का फैसला लिया है। 2 साल पहले उनके 16 साल के बेटे और 19 साल की बेटी ने भी दीक्षा ले ली थी। भावेश भंडारी ने ऐलान किया है कि उनका लक्ष्य संयमित जीवन अब जीने का है। उनका लक्ष्य संन्यास है, ना कि सांसारिक मोह। भंडारी दंपति के संन्यास लेने के पीछे उनके बेटे और बेटी को मुख्य वजह माना जा रहा है। चर्चा है कि बेटा बेटी के दीक्षा ग्रहण करने के बाद ही भंडारी दंपति का भी सांसारिक जीवन से मोह अब भंग हो गया है। चूंकि बच्चे दोनों, एक बेटा एक बेटी, पहले ही दीक्षा ले चुके हैं, सांसारिक मोह से ऊपर उठ गए बच्चे, और यही वजह मानी जा रही है कि भंडारी दंपति की ओर से भी ये फैसला लिया गया है। 200 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इस खबर पर मेरे साथ इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन रावल जुड़ गए हैं सीधा। जतिन, आज के जमाने में इस तरह का मामला हैरान करता है, जब चंद रुपयों के लिए एक दूसरे की जान लोग ले लेते हैं, ऐसे वक्त में 200 करोड़ रुपए की संपत्ति दान करने का फैसला इस दंपत्ति का, और बताइए इस पूरी खबर के बारे में। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये जिस तरह से जो 200 करोड़ की जो संपत्ति लुटाने का ये जो परिवार ने जो फैसला किया, उन्होंने दीक्षा ग्रहण करने का जो फैसला किया, इससे इसके लिए अपने को 2 साल फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, जब उनके बेटे और बेटी ने भी जब 2 साल पहले दीक्षा ग्रहण की थी, उस समय उससे पहले वो दोनों बच्चे जो थे वो नॉर्मल जो जिस तरह बाकी बच्चे होते पढ़ने में या खेलने कूदने में व्यस्त रहते थे, लेकिन जिस तरह से जो कुछ समय पहले 2 साल पहले जो जब उन्होंने दिखा ली, उससे कुछ समय पहले जब वहां पर हिम्मतनगर के अंदर जब गुरु भगवंत आए थे, जो जैन समाज के अग्रणी है, जो उनके गुरु महाराज कहा जाता है जिनको, वो आए थे, जब उन्होंने जब उनके आशीर्वचन सुने, तब उनको ऐसा रियलाइज हुआ कि ये संसार जो है वो एक मोह माया है, और धीरे धीरे उनका इस संसार से जो है वो मन उठता गया, दोनों बेटे का और बेटी का भी, दोनों का एक साथ संसार में से मन उठता गया, और दोनों ने एक साथ ही दीक्षा ग्रहण करने का फैसला 2 साल पहले ले लिया। 2 साल पहले उन्होंने उनके द्वारा की भव्य दीक्षा समारोह, भव्य दीक्षांत समारोह जो था वो हिम्मतनगर के अंदर किया गया था। उसके 2 साल के बाद भावेश भाई भंडारी जो और उनकी पत्नी जिंदल बेन, दोनों का भी जो है संसार में से मन उठ गया बिल्कुल पूरी तरह से। उन्होंने भी अपने बेटे और बेटी को जिस तरह से उनके चेहरे के ऊपर जो एक जो संतोष की जो भावना जो थी, जैसी सेटिस्फेक्शन जो उनके फेस के ऊपर जो रीडिंग किया उन्होंने, उसको लेकर उनको भी लगा कि ये संसार जो है कहीं ना कहीं एक मोह माया, और वो भी अब जो है वो दीक्षांत ले गए, और उनकी पत्नी ने भी उनका जो है वो साथ दिया। उन्होंने भी बताया कि मैं भी आपके साथ दीक्षा लूंगी, और ये 22 तारीख को, अगली 22 तारीख को, यानी कि 22 अप्रैल को जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद के अंदर जो रिवर फ्रंट है, रिवर फ्रंट के ऊपर तकरीबन 35 लोग एक साथ जो है वो दीक्षा लेने वाले हैं। उसमें ये भावेश भाई भंडारी भी और जिंदल बहन दोनों भी इसमें जो है वो उपस्थित रहेंगे, और अहमदाबाद में जो 35 लोग दीक्षांत समारोह एक साथ जिनका होने वाला है वहां पर उपस्थित रहेंगे। ठीक है जतिन, आप बने रहिए मेरे साथ। भावेश भंडारी के दोस्त डिकुल गांधी मेरे साथ जुड़ गए हैं। डिकुल गांधी जी, क्या जब आपको पता लगा कि भंडारी दंपति भिक्षा ग्रहण करने वाले हैं, भिक्षु बनने वाले हैं दीक्षा ग्रहण करके, तो क्या हैरानी आपको हुई? हैरानी की बात तो है ही, एक्चुअल में इतनी जाहो जलालिक सुख संपत्ति सब होने के बावजूद भी सब संसार का त्याग करके निकलना, और जो इतना एंजॉय करने वाला इंसान था कि उसने, उसके पास क्या नहीं था, वो खाने को कुछ मांगे और क्या मिलता था, पानी मांगे दूध मिलता था, और वो सब छोड़ के अब ये दीक्षा ले रहा है, हमारे लिए भी हैरानी की बात है, लेकिन ये अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कर रहा है। क्या ये फैसला गुरुदेव, क्या ये फैसला डिकुल जी मुश्किल रहा होगा भंडारी दंपति के लिए, क्योंकि पहले बच्चों ने ऐसा कदम उठाया, क्या मजबूरन ऐसा करना पड़ रहा है?
नहीं मजबूरन तो नहीं है इसमें, ये आध्यात्मिक का मार्ग है ना, वो सबसे अच्छा मार्ग है जो अपनी आत्मा की कल्याण के लिए है। उनके दोनों के दोनों बच्चों है ना, जो जो 16 साल का लड़का और 19 साल की लड़की, वो दोनों गुरुदेव की टच में आए और उनसे आध्यात्मिक ज्ञान लिया और उनकी प्रेरणा से ही अब ये दोनों अपने माँ बाप दोनों दीक्षा संयम मार्ग पे चल रहे हैं। ये वैसे जाना जाए तो संसार में सबसे सुखी मार्ग, सबसे अच्छा मार्ग यही है, संन्यास मार्ग, जो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए है। लेकिन मोह माया कहते हैं ना कि बहुत मुश्किल चीज है इससे बाहर निकलना, ऐसे में कब से ये विचार चल रहा था भंडारी दंपति के बीच में? और मुश्किल फैसला तो जरूर शायद ये रहा होगा, बच्चे जब पहले चूंकि इस ओर चले गए, मोह माया से ऊपर उठ गए। व्यक्तित्व किस तरह का है भंडारी दंपति का, कैसा उनका स्वभाव है, कैसा उनका नेचर है, आस पड़ोस में जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ किस तरह की बनती है उनकी? उनके रिश्तेदार, पड़ोस, मित्र सब बहुत अच्छा है उनका। उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, व्यापारी भी उनके साथ कॉन्टेक्ट में बहुत सारे हैं, फिर भी उनको ये सब लगा कि ये सब संसार की मोह माया है, इस सब में कुछ नहीं, ये सब नाशवंत है। अपने लिए अगर कुछ करना है, ये शाश्वत संयम मार्ग ही है। उन्होंने अपने गुरुदेव के टच में आए, उनसे प्रेरणा ली, उनसे आध्यात्मिक ज्ञान लिया और बाद में उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये सब संसार में मोह माया ही है, अगर अपने लिए कुछ करना है तो यही श्रेष्ठ मार्ग है। ठीक है, डेकुल गांधी जी आपका बहुत शुक्रिया इस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जतिन आपका भी शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी देने के लिए।